फ्रेंड्स, मैं हूँ तस्नीम और द कंप्लीट वुमन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू करने जा रही हूँ वो ये प्रोडक्ट है। ये प्रोफेशनल ऑटोमेटिक हेयर कलर है, बहुत ही इजी टू यूज है। तो मैं आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी भी दूंगी और इस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यह वो प्रोडक्ट देखिए, बहुत ही इजी टू यूज है। ऑटोमेटिक हमारे हेयर जो इसमें कर्ल हो जाते हैं। ये उसका मैनुअल है, इसमें इम्पोर्टेंट टिप्स दी गई है कि आपको ये मशीन को किस तरह से यूज करना है। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी देती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो इसका वायर है, स्विवल कॉर्ड है, देखिए इस तरह से मूव होता है ऑल डायरेक्शन में, मीन्स ये टेंगल नहीं होगा, टेंगल फ्री है। और इसका जो ये वायर है वो 2 मीटर का है। तो मैं इस वायर को प्लग इन कर देती हूँ और आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी देती हूँ। ये मैंने वायर को प्लग इन कर लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सेटिंग्स के बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो बटन है इससे ये प्रोडक्ट जो है वो ऑन होता है। इसकी थ्री सेटिंग्स है। जब भी हमने स्टार्ट किया, ये एक स्टार्ट की सेटिंग, ये बहुत ही लो रहता है। फिर और एक सेटिंग है, ये मीडियम, और ये है हाई। तो हम जब भी कर्ल करेंगे तो हमें हाई पे रख के करना है, तो बहुत ही अच्छे से कर्ल होंगे। और यहाँ पर जो सेटिंग है मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, मैं आपको डाउन से ही बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर आप सेट करेंगे तो बहुत ही टाइट कर्ल्स होंगे आपके। यहाँ पर आप रखेंगे तो आपके सॉफ्ट कर्ल्स होंगे। और आप यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे ऊपर, सबसे ऊपर, तो आपके हेयर जो है सिर्फ वेवी होंगे। यहाँ की जो सेटिंग है, आप ये देख सकते हैं यहाँ की सेटिंग। यहाँ पर क्या है, आप इसको टॉप पे रखते हैं तो ये जो मशीन है वो देखिए, आप यहाँ पर रखेंगे तो आप देखेंगे ये जो मशीन है वो राइट साइड पे घूम रहा था, ठीक है। यानी कि राइट साइड पे अभी कर्ल्स होगी। और फिर आप इसको यहाँ पर रखेंगे उसके नेक्स्ट नीचे थोड़ा, तो आप देखेंगे कि देखिए मशीन जो है अंदर वो लेफ्ट साइड पे घूम रहा है, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड पे कर्ल्स होंगी। और इसकी जो लास्ट सेटिंग है ये ऑटोमेटिक सेटिंग है, मीन्स तो आप उसको ऑटो पे रखेंगे तो ये खुद ब खुद एक बार राइट करेगा कर्ल और एक बार आपकी लेफ्ट कर्ल करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये हैवी कर्ल्स के लिए, यहाँ पर आप इसको नीचे सेटिंग रखेंगे तो हैवी कर्ल्स होगा। जब ये हैवी कर्ल्स होगा तभी ये आप देखेंगे मशीन जो है, ये मैंने ये चालू है अभी मशीन, ये हैवी कर्ल्स पे चालू है। ये देखिए, ये मशीन चालू हुआ, अभी ये स्टॉप हो गया है। और ये देखिए, अभी बीप की आवाज आई, तो हमें इस तरह से हमारे हेयर को निकाल लेना है। तो ठीक है, मैं आपको अपने हेयर पे भी इसको यूज करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले सबसे पहले हमें अपने हेयर पे कोई भी हीट प्रोटेक्टर सीरम जरूर यूज करना चाहिए। सीरम हो या जेल हो, जो भी हो आपके पास अवेलेबल, उसको जरूर यूज कीजिए ताकि आपके हेयर डैमेज ना हो। तो उसने हेयर को कोम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम हीट प्रोटेक्टर अप्लाई कर लेते हैं। अभी इसको इस तरह से हल्के से हमारे हेयर पे इस तरह से इसको फैला लेना है। आप जैसे चाहे वैसे कर्ल्स कर सकते हैं, मैंने आपको बताया सिस्टम। आप इसको सबसे ऊपर रखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ आप इसको सबसे ऊपर रखेंगे तो आपके बहुत ही वेवी हेयर होंगे, कर्ल्स मीन्स जस्ट वेव होंगे। और आप इसको एक स्टेप नीचे रखेंगे मिडिल में तो ये आपके कर्ल्स जो है सॉफ्ट कर्ल्स होंगे, मीन्स ज्यादा टाइट कर्ल्स नहीं होंगे। अगर आपको टाइल्स कर्ल चाहिए तो आप इसको इस तरह से डाउन में सेट कीजिए तो आपके टाइट कर्ल्स होंगे। तो अभी मैं इसको सबसे हाई डिग्री पे रख रही हूँ, ये देखिए हाई टेम्परेचर पे इसको सेट कर रही हूँ हीट होने के लिए। बस
5 से 6 सेकंड में ये हीट हो जाता है प्रोडक्ट, और मैं इसको टाइट कर्ल्स करके आपको बता रही हूँ इससे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर को डिवाइड कर लिया है, यहाँ से मैंने थोड़े से हेयर लिए है इधर, और मैं इसको ऑटोमेटिक पे रख रही हूँ सेटिंग को, मीन्स ये एक बार राइट कर्ल करेगा, एक बार लेफ्ट करेगा। फ्रेंड्स, ये जो कर्लिंग चैम्बर है ये हमारे इस तरह से बाल के अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, और ये सिरामिक है तो हेयर को डैमेज नहीं करेगा। हमें बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स लेनी है फ्रेंड्स, जितनी आप पतली स्ट्रिप लेंगे, अगर आपके ज्यादा लॉन्ग हेयर है मेरे से तो आप बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप लीजिए, तो बहुत ही अच्छे कर्ल्स होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कर्ल होना स्टार्ट हो गया है, अब ये स्टॉप हो गया है, जैसे बीप बजेगा हमें इसे निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही शॉर्ट हेयर है इसलिए दिख नहीं रहा है, मैं आपको लॉन्ग हेयर पे करके दिखाती हूँ, तो अभी मैं आपको ये स्ट्रिप करके बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से ऑटोमेटिक ये हेयर को ले लेता है, कर्ल कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कर्ल्स आ रही है, तो मैं आपको ये पूरे हेयर करके बताती हूँ किस तरह से इसका लुक आता है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो है मैं लास्ट कर्ल कर रही हूँ मेरी, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपने सारे हेयर्स जो है अच्छे से कर्ल कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे कर्ल्स हुए हैं और बहुत ही अच्छा लुक आया है, और बहुत ही फटाफट से मेरे कर्ल्स हो गए। आप इसको सैलून में भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है किसी के हेयर कर्ल करने के लिए, और आप इसे घर में भी यूज कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, और आप किसी और के भी हेयर को कर्ल कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये कर्ल हो जाते हैं। और फिर इनसे जो आगे के हेयर है थोड़े बहुत मैंने नहीं किए हैं कर्ल, इस तरह से मुझे इसको सेट करना है इसीलिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही एक अच्छा लुक आता है इससे, ये देखिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही खुला रखिए, बहुत ही अच्छा लुक आता है फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी है इसको यूज करना। मैंने आपको इसकी सारी सेटिंग्स भी बताई, और इसको जब भी आप यूज करें तो आपके हेयर जो है कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए, आपके बाल जो है गीले नहीं होने चाहिए, कोई भी गीली चीज यहाँ पानी से इसे साफ नहीं करना है, इसे हमें ड्राई क्लोथ से या कोई भी टिश्यू पेपर से इसे अच्छे से साफ कर लेना है यूज करने के बाद। और फ्रेंड्स, अगर ये मेरा प्रोडक्ट का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस पर आपकी कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर ये आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट की लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो वहां से आप क्लिक करके ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।